अक्षय कुमार का कोई डायलॉग कोई याद नहीं होगा ऐसा इनको आंखू वाला ही कर दो आंखू आंखू एक बार आप आंखू करके दिखाएंगे आंखू आंखू आप इस कैमरे में आंखू ये हमारा कौन सा वाला शो करा है आपने बच्चन पांडे का हेलो फ्रेंड्स मैं राहुल जैन नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज हम इवनिंग में देखने आए हैं बच्चन पांडे जबकि ऑलरेडी हम स्क्रीनिंग में देख चुके हैं लेकिन मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ आज और हमारी साली साहिबा भी साथ आई हैं आप देख सकते हैं ये रही सोनी जैन तो आज हम द्वारका में आए हैं वेगास मॉल है बहुत ही सुंदर खूबसूरत बना हुआ है और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है तो आज हम देखने आए हैं तो अभी सबसे पहले देखते हैं कितनी एक्साइटमेंट है देखने की बच्चन पांडे बहुत ज़्यादा है तो अक्षय कुमार की सूर्यवंशी आपको पता ही है कि थिएटर में वापसी लाने के लिए उनका सबसे बड़ा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कोरोना के बाद अब देखते हैं बच्चन पांडे को कितना प्यार मिलता है ऑलरेडी कश्मीर फाइल बहुत सुपर डुपर हिट जा रही है तो बच्चन पांडे की जो कॉमेडी और एक कह सकते हैं एक्शन वाली फिल्म है तो लोग उसे कितना सराहते हैं तो चलिए सबसे पहले चलते हैं थिएटर में और उसके बाद आप लास्ट तक इस रिव्यू को ज़रूर देखिएगा तुम साला जो भी हो ध्यान से सुनो बच्चन पांडे से मुखबरी करेगा डेरिंग किए हो तुम तुमको तो साला हम पकड़ेंगे और फिर पकड़ के छोड़ देंगे हम गोली छोड़ेंगे पर लल्ला तुम जिंदगी छोड़ देना क्या बेस्ट लगा क्या बेस्ट पार्ट क्या था आई मीन एक पर्सन को क्या दिखाया गया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो असली में क्या है तो मतलब हृदय परिवर्तन या अच्छी लगी कितने स्टार रेटिंग देना चाहेंगे 100 में 100 बच्चन पांडे का रोल वेरी गुड क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में बहुत अच्छी है फिल्म कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छी फिल्म थी सच में हाँ जी आप भी बच्चन पांडे से कुछ सीखना चाहेंगे क्या सीखा गन चलाना नहीं कैसी लगी फिल्म कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5/3/5 आंटी जी कैसी लगी आपको अच्छी लगी बहुत मज़ेदार पिक्चर है क्या आपको बेस्ट लगा इसका कॉमेडी एक्शन सब कुछ बहुत कॉमिक रोल इसको अवार्ड मिला बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी बहुत अच्छी बच्चों को भी दिखाएंगे आप जी जी ठीक है बहुत अच्छी एक्टिंग कैसी लगी अक्षय कुमार की अच्छी लगी नेगेटिव रोल में मस्त लगा या लगा कि कहीं पॉजिटिव भी बढ़िया है नहीं अच्छी फिल्म थी कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 में से कितनी 5 में से कितने रेटिंग दे रहे हो कितने स्टार दोगे आप 5 में से कितने स्टार दोगे 4 मैं बेटे से पूछ के देंगे बच्चों को कैसी लगी फिल्म अच्छी लगी छुप छुप के क्यों जा रहे हो बच्चन पांडे से डर लग रहा है यहाँ नहीं है वो आज तो अच्छी लगी अम्मा जी आप बताओ आपको कैसी लगी अच्छी लगी हंसी आई आपको मजा आया अच्छी आई अब बच्चों को भी दिखाना ये रे सारे बच्चे सबको दिखा दे अच्छा आप बताइए सूर्यवंशी से कंपेयर करें तो क्या आपको क्या बेस्ट लगा सूर्यवंशी ज्यादा बेस्ट थी काफी अच्छी मूवी थी काफी अच्छा लगा देख अक्षय का नेगेटिव पार्ट दोनों पार्ट अच्छे थे पॉजिटिव वाला ज्यादा अच्छा लगा डायलॉग्स कैसे लगे अच्छी डिलीवरी थी डायलॉग लग रहा था हंसी आ रही है हाँ जी हाँ कोई एक डायलॉग वो मुझे नहीं आता आप थूक करके दिखा रहे हो आंटी जी कैसी लगी आपको फिल्म बहुत अच्छी लगी मजा आया हंसी आई वो तो आनी थी पूरे टाइम खुश थे आप अक्षय कुमार का कोई डायलॉग कोई याद नहीं होगा ऐसा इनको आंखू वाला ही कर दो आंखू
आप क्या कहना चाहेंगे? It was a nice movie. परिवर्तन के लिए क्या जिस तरह से मायरा ने चूज किया वो पाथ सही था? नॉट टू कमेंट अपॉन, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के लिए आए थे एंड वी गॉट एंटरटेन. दैट वाज. कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 4. थैंक यू सो मच. अच्छी लगी मूवी तो. हंसी आई? हाँ हंसी भी आई. और ये भी था कि ना बेसिकली वो कितना उसको कितना पेन था अंदर उसकी फैमिली के साथ या उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कितना कुछ हुआ, बट स्टिल वो कितना स्ट्रॉन्ग बन के जी रहा था. ये चीज़ अच्छी थी. ये बेस्ट पार्ट. अच्छा, ये पॉजिटिव पार्ट. हाँ, लगा. ये चीज़ अच्छी थी. और बच्चन पांडे की एक्टिंग और सबसे अच्छी तो भोजपुरी भाषा लगी. अबे. और पंकज त्रिपाठी के बारे में तो हमने पूछा ही नहीं. हाँ, वो तो छूकर ही टैलेंट स्टार बना देते हैं. अच्छी थी. ओवरऑल नाइस. कितनी रेटिंग? 4.5. वाओ, इतनी अच्छी. इससे तो आ थू तो करवा ले. एक बार आप आ थू करके दिखाएं. आ थू. आ थू. आपके कैमरे में कहीं आ थू हो जाए ना. नहीं, मुंह पे. दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ऑडियंस को बच्चन पांडे मूवी बहुत ही पसंद आई है. हर एज ग्रुप के लोग यहाँ प्रेजेंट थे. बच्चे, बड़े, बूढ़े, पूरी फैमिलीज के साथ आए थे और सभी ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रिव्यू दिया है. नेगेटिव कुछ भी नहीं था. और ओवरऑल अगर हम फिल्म के बारे में कहना चाहें तो अक्षय कुमार ने मतलब अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया है. और कॉमेडी की बात करूँ तो यार एक एक डायलॉग पर कहीं भी ऐसा होगा नहीं कि आप गुदगुदाएंगे नहीं. और पंकज त्रिपाठी का रोल कहूँ तो थोड़ा सा स्क्रीन में उन्हें पार्ट मिला, लेकिन जितना भी मिला ना बंदा छा गया. मैं उनका एक पार्ट आपको करके दिखाती हूँ. ये छोटा सा रोल जो है और सभी ने करके दिखाया. आप बहुत मज़ा आया हमें फिल्म में. आप देख सकते हैं. तो मैं 5 में से इसको 4 स्टार रेटिंग देना चाहूंगी. तो दोस्तों, आपने अभी नोनी को थू करते हुए देखा. ये फिल्म के अंदर डायलॉग आप ये मत समझने से कोई दोरा पड़ गया है. और फिल्म को हम भी उतनी रेटिंग देना चाहेंगे, मतलब 4 स्टार की तो मेरे हिसाब से फिल्म है ये. तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. ये लड़की हर जगह घुस जाती है, इसके घूंसे मारो. डैम.